हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी अपना चैप्टर नंबर 12, वो भी पद्य का, जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसमें हमारी दो पोएम सम्मिलित हैं। इसमें हमारी कितनी पोएम सम्मिलित हैं? दो पोएम। और ये लिखा गया है केदारनाथ अग्रवाल पर। हमारे 9th में पद्य का जो चैप्टर, इसमें सिर्फ यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके दो कविताएं इसमें निम्नलिखित हैं। इनका जीवन काल जो था केदारनाथ जी का, वो इनका जन्म हुआ था 1911 में और मृत्यु हुई थी 2000 ईस्वी में। पहला है अच्छा ओहदा, इनकी पहली कविता है। इसमें मानव के बारे में बताया गया है। फिर दूसरी है हमारी सितार संगीत की रात। इसमें कवि ने कल्पना की है, अगर ये जो रात है वो बहुत ही सुखमय है और यहाँ पर बहुत ही आनंद है आता है। इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न आज सॉल्व करने वाले हैं। इसका पहला है केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था। जब किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, उससे पहले हमें उस चैप्टर के जो लेखक हैं उनके बारे में जान लेना काफ़ी आवश्यक होता है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म स्थान कौन सा है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ? पहला इटावा, दूसरा बादा, तीसरा है देवरिया और चौथा है इलाहाबाद। तो इसमें से राइट आंसर जो है वो है हमारा दावा या दामवा। ये इसका राइट आंसर है। जो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म हुआ था वो दामवा में हुआ था, वो भी कब? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, केदारनाथ अग्रवाल जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रमाण द्वारा प्रदान किया गया, जो सम्मेलन प्रमाण द्वारा, कौन सी उपाधि द्वारा प्रदान किया गया, जो इसका जो प्रमाण था साहित्य सम्मेलन प्रमाण, कौन सी उपाधि द्वारा इन्हें दिया गया? उपाधि क्या थी? पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा है साहित्य शिरोमणि, तीसरा है साहित्य नाग सागर और चौथा है साहित्य वाचस्पति। तो इसमें जो दिया गया था प्रमाण पत्र, वो दिया गया था साहित्य वाचस्पति। चौथा क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल जी को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा उपाधि प्रदान की गई। पहला डीलिट, दूसरा प्रोफेसर। पहले इस क्वेश्चन को ही एक बार समझ लेते हैं, जल्दी में बोल दिया मैंने। केदारनाथ अग्रवाल को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई? जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में चल रहा था उस टाइम, उसमें उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई? इसमें ऑप्शन दे देना डीलिट की, दूसरा प्रोफेसर की, तीसरा डॉक्टरेट की और चौथा मास्टर की। तो इन्हें दी गई थी डीलिट की। किसकी? डीलिट की। फिर छठा क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ अग्रवाल को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल ने सम्मान प्रदान किया। जो केदारनाथ अग्रवाल जी थे, ने मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल में कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा तुलसी, तीसरा सोवियत लैंड नेहरू और चौथा है साहित्य अकेडमी। तो इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th, केदारनाथ अग्रवाल जी का निधन कब हो गया? तो अभी हमने ओवर की जो जन्म तिथि थी वो पढ़ी, तो इसमें हम राइट आंसर बिना कोई ऑप्शन रीड करे भी लगा सकते हैं कि 2000 ईस्वी में। फिर है केदारनाथ जी की कविता की प्रमुख धारा है मनुष्य और पक्षी, मनुष्य और जीवन, मनुष्य और प्रकृति व प्रकृति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मनुष्य और जीवन। केदारनाथ जी की जो मुख्य धारा है वो है मनुष्य और जीवन, यानी कि राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी हिंदी कविता में विरल कवि थे। अपने प्यार का, स्वकेंद्रित प्रेम का, परकीय प्रेम का व सौंदर्य का। तो इसका राइट आंसर होता है स्वकीय प्रेम। कौन सा? अपने प्यार को कह सकते हैं या स्वकीय प्रेम को भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये होगा, एक मिनट में टाइप करूँ।
स्वयं किया और फिर प्रीम राइट आंसर होता है हमारा ये स्वयं किया प्रीम। फिर केदारनाथ अग्रवाल मूलतः कवि थे, धरती के कल्पना के आदर्श के व धरती व धूप के। तो ये मूलतः कवि जो थे धरती और धूप के कवि थे। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित काव्य संग्रह की संख्या कितनी है, जो इन्होंने काव्य संग्रह रचे उनकी संख्या कितनी, पहला ऑप्शन 24, दूसरा 20, तीसरा 25 और तीसरा है 30। तो इनके द्वारा जो रचित हैं काव्य संग्रह हैं वो कितने हैं, 24। कितने काव्य संग्रह हैं, 24 काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केदारनाथ अग्रवाल जी का प्रथम काव्य संग्रह जो था वो किस सन में प्रकाशित किया गया। तो पहला ऑप्शन है 1947 में, 1942 में, 1945 में और 1950 के दशक में। तो इसका आंसर है 1947 में। और मुझे कमेंट में आप ये बताएंगे 1947 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, भारतीयों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सन है। केदारनाथ अग्रवाल के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या था, प्रथम जो काव्य संग्रह था वो क्या था, पहला है पुष्पदीप, नदी के बादल, हे मेरी तुम और चौथा है युग की गंगा। राइट आंसर भी यही है युग की गंगा। फिर है केदारनाथ अग्रवाल जी की जो काव्य शैली थी वो क्या थी, प्रबंधन थी, मुक्तक थी, नाटकीय थी या फिर महाकाव्य थी। तो इसका जो आंसर है वो है मुक्तक शैली। इसके अगर काव्य का सौंदर्य लिखने को आता है इनकी कविता का तो वो उसमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया जाता है। केदारनाथ अग्रवाल जी का युग के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, यथार्थवादी युग और अकवितावादी युग। तो इसमें इनका ऑप्शन नंबर ए है प्रगतिवादी युग। कौन सा युग, प्रगतिवादी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, अच्छा होता कविता अवतरित है अपूर्वा से, पूर्वा से, युग की गंगा से या पुष्पदीप से। तो अगर हम इस पोएम को रीड करते हैं तो इस पोएम के लास्ट में दे रखा है ये किससे अवतरित की गई, अपूर्वा से अवतरित की गई है। अच्छा होता कविता के केंद्र में है प्रकृति, पर्वत, आदमी या फिर पृथ्वी। तो अच्छा होता अगर आदमी परार्थी और पुण्यार्थी होता तो इसमें आदमी के बारे में बताया गया, तो इसका राइट ऑप्शन जो होता है वो होता है आदमी। अच्छा होता कविता में कवि आदमी के लिए चाहता है गुण, अवगुण, सिद्धांत व चिंतन। तो इसमें वो मनुष्य के लिए जो विचार उन्होंने कही है वो चाहते हैं कि मनुष्य में गुण आए, वो दूसरों के लिए परार्थी हो, मन का चहवच्चा ना हो यानी कि स्वार्थी ना हो और ईमान का घाती ना हो। इस प्रकार के उन्होंने गुण इसमें प्रकट किए गए हैं अपनी। स्वार्थ का चहवच्चा का भाव है गुणी, दम्भी, स्वार्थी मनुष्य व उपकारी। उपकारी हो ही नहीं सकते, इसका आंसर है स्वार्थी मनुष्य। नेक्स्ट है आग के होठ बोलते हैं, या आग के होठ जो सितार संगीत की रात है उसकी फर्स्ट लाइन है आग के होठ बोलते हैं। तो इसमें जो कहा इसका आशय क्या है, नए स्वर, सितार के बोल, वाद्य के स्वर और चौथा है संगीत। तो इसमें जो बताया गया है वो सितार के बोल है। आग के होठ यानी कि सितार जब बजता है तो उसमें से ध्वनि निकलती है वो आग के बोल के समान कवि ने प्रकट की है। फिर है उंगलियों के नृत्य पर राग करते हैं, क्या करते हैं, किलोल पहला ऑप्शन, दूसरा है क्रीड़ा और तीसरा है हमारा हास्य और चौथा है खोल। तो इसमें जो लाइन की कहा एक बार मैं आपको ये कविता रीड कर देती हूँ यहाँ तक की, होठ
आग के होठ बोलते हैं सितार के बोल, पहला सर इसी में था, खुलती जाती हैं सेहत की पंखुड़ियाँ, चूमती उंगलियों के नृत्य पर राग पर राग करती हैं किलोल, रात के खुले बक्ष पर चंद्रमा के साथ शताब्दियाँ झांकती हैं। तो इसमें कौन राग पर राग कर रहे हैं? किलोल, इसका राइट आंसर होता है हमारा किलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के खुले बक्ष पर चंद्रमा के साथ क्या झांकती हैं? अभी मैंने जो पोएम रीड करी उसमें था पहला ऑप्शन नारियां, शताब्दियां, हिरनियां या फिर लड़कियां, तो इसका ऑप्शन होता है शताब्दियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार संगीत के समारोह में बरसता है क्या? हास्य, संगीत, कौमार्य या फिर रंग। तो ये लाइन जो है, ये जो ली गई है वो है कि अनंत की खिड़कियों से संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता है। तो संगीत के समारोह में क्या बरस रहा है? कौमार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि के अनुसार हर्ष का अंश तैरता है किस पर? तो ये इसी के नेक्स्ट लाइन है, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्य लोक में विचरण करती है। तो इसका जो आंसर है, जो हर्ष का हंस वो किस पर तैर रहा है? दूध पर। नेक्स्ट है, सितार संगीत की रात कविता में कवि वर्णन कर रहा है संगीत कार्यक्रम का, सुंदर कला का, प्रकृति का या फिर कलाकारों का। तो इसमें जो वर्णन कर रहे हैं वो कवि कर रहे हैं संगीत कार्यक्रम का। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये क्लास भी समाप्त होती है। तो इस क्लास के एंड में मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे 9th के जो और स्टूडेंट्स हैं उनका इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।